तो भैया यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्लास में थोड़ी लेट होने की संभावना है सभी अपना ध्यान स्टेशन पर टिकाए रहें स्टेशन के बाहर पैर ना निकालें और अब स्टार्ट करते हैं क्लास गुड इवनिंग एवरी वन गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग क्या हाल है भाई जनता के कैसे हो सबके सब हैं रात के बज है? चुके हैं नौ और हो चुका हमारे सेशन का स्टार्ट जबरदस्त सेशन स्टार्ट करने वाले हैं गुड इवनिंग सभी बालकों को गुड इवनिंग सभी बालिकाओं को सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में और बहुत बहुत स्वागत है इस रात बजे के नौ की क्लास में जहां पे एक शानदार सेशन चलने वाला है जबरदस्त सेशन चलेगा बहुत ताकतवर सेशन चलेगा हर बच्चे के मोबाइल में रात में नौ बजे एमडी क्लासेस खुल जाना चाहिए और जबरदस्त तरीके से सेशन स्टार्ट होने चाहिए है ना तो थोड़े से मजाक और खुशी के साथ सेशन स्टार्ट करते हैं क्योंकि बारह घंटे की लगातार लाइव क्लासेस कुछ बच्चों ने ले रखी है बहुत थके हुए हैं फिर भी पढ़ाई करना है आगे और कैसे पढ़ेंगे अब यहाँ पे देखेंगे तो भैया आप सभी को पता है यूपी तिपस्सी पेट का जो पेपर है वो 20 अगस्त को सुनिश्चित है और इसके लिए हमने यहाँ पर कल से डेमो क्लासेस भी स्टार्ट कर दिया क्योंकि हमने दक्षत बैच लेकर आ चुके हैं ऐप पर ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है कल सुबह आठ बजे मेरी क्लास होगी है ना तो याद रखिएगा सुबह नौ बजे मेरी क्लास कैंसिल हो जाएगी आठ बजे मेरी क्लास होगी जो कि परसेंटेज की पहली क्लास होगी आपको यह समझ में आएगा कि सत्यम जी परसेंटेज में दक्षत बैच में यानी यूपी के बच्चों के लिए कैसे परसेंटेज पढ़ाते हैं ठीक है तो नौ बजे वाले बच्चे थोड़ा जल्दी उठ जाइए आठ बजे वाली क्लास में आ जाना नौ बजे वाली क्लास कल कैंसिल है मेरी ठीक है चलो आओ क्या कर दिया जाए आज मैंने कहा था ना आपसे किया वादा मैं आप पूरा कर रहा हूं भाई जब पेपर आ जाता तो मैं कोई वादा नहीं तोड़ता किसी बच्चे से कोई मजाक नहीं कोई भी कुछ नहीं सिलेक्शन हंड्रेड परसेंट चाहिए जब भी पेपर आया भाई इस बात को ध्यान रखना हाँ यूट्यूब पर ही होगा ठीक है चलो तो भाई वैज्ञानिक नाम का हमने किया था वादा और वादा को करा है पूरा और आज हम करने वाले हैं वैज्ञानिक नाम का पूरा का पूरा चीथड़ा खत्म किसी भी तरीके से किसी का भी वैज्ञानिक नाम पूछा जाएगा एमडी क्लासेस का बच्चा उसको सही तो जरूर करके आएगा चाहे किस भी कैसे भी चाहिए पक्का है चले चलो एक बार कमेंट बॉक्स में जरा रेडी मारो सबके सब बच्चा कमेंट बॉक्स में रेडी मार दीजिए फिर स्टार्ट करेंगे वैज्ञानिक नाम कैसे कैसे क्या क्या है इसके अलावा जिन बच्चों का एनटीपीसी का पेपर है या फिर यूपी ट्रिपल एस का है डेली मॉक टेस्ट कोशिश करिए देने को मिले और टेक्स्ट बुक का पास जरूर बाई कर लीजिएगा सीधे नीचे टेक्स्टबुक का लिंक है वहां से डाउनलोड करने के बाद ऐप को पास पे क्लिक करके एमडी क्लासेस कोड लगा के आप वहां से बाई कर सकते हो इसका मैं पीडीएफ में लिंक दे दूंगा कैसे बाई करना है वो आपको पता चल जाएगा चलो पूरे जोश में है सर जी आज तो फोड़ ही देंगे चाहे जैसे हो जाए मैं एक छोटा सा बात पूछता हूँ आम का सीजन चल रहा है भाई बड़ा मज़ेदार आम मिल रहे हैं इस समय बड़ा ढासू आम मिल रहे हैं सब तरीके से खाने को मिल रहा है जरा आम के वैज्ञानिक नाम कौन बच्चा सबसे पहले बता पाएगा है ना सीजन बड़ा खतरनाक है और आराम से बता पाएंगे आम का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो सेट गो ठीक है आम का वैज्ञानिक नाम का है भाई मालदा आम हाँ कह रहे हैं, बड़ा फेमस है ठीक है और 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 इंडिका एक बात तो क्लियर हो गया ये तो सबको पता होता है औरत है क्या नाम है भैया आदमी का क्या है भाई कौन सा आदमी का वैज्ञानिक नाम हम क्या बोलेंगे यानी इंसानों का वैज्ञानिक नाम क्या बोलेंगे होमोसेपियन बोलेंगे होमो मतलब घर में जो रहते होम में जो रहते इसी वजह से होमो बोलते हैं अब स्टार्ट करते हैं हमारे मौसी का क्या नाम है भाई हमारे मौसी का क्या नाम है बताओ मौसी का क्या नाम है हमारे पढ़ा है ना आप लोगों ने कि हमारे मौसी का क्या नाम है तो जनता क्या बोलती कि सर जी मौसी का नाम क्या है तो जनता बोल पड़ी कि तो सर जी बकरी का नाम बताओ क्या होगा हमारे मौसी का नहीं वो तो बिल्ली का हो जाता हमने सोचा पहला क्वेश्चन बिल्ली का हमारे बेजती हो गई है हंसना सभी लोग बकरी का वैज्ञानिक नाम सबसे पहला क्वेश्चन जनता के सामने आ चुका है और याद करने का तरीका भी इसी बार देखेंगे और जबरदस्त तरीके से देखेंगे याद करने का कैसा बेहतरीन तरीका है ठीक है बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बहुत आसान क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन जिंदाबाद क्वेश्चन जल्दी से पढ़िए और बताइए कैसे कर पाओगे भाई बकरी का वैज्ञानिक नाम हर जगह शेयर कर दो सबको पहुंचा दो कैसे कर पाएंगे देखो बकरी का वैज्ञानिक नाम बकरी का वैज्ञानिक नाम होता कैप्टा हिटमस है ना बकरी का वैज्ञानिक नाम होता कैप्टा हिटमस कैप्टा हिटमस खाए हो कि नहीं खाए हो कहे सर जी बकरी नहीं खाए बकरा है अरे कुछ भी खाए हो तो हिटमस करते हो कि नहीं करते बेचारे को हिट करके मार डाल के खाते हो कि नहीं खाते हो खाते हो ना तो कैप्टा हिटमस कैप्ट उसको पकड़ा हिटमस किया हिट किया और बकरी बन गई भाई तो हमारे लिए बढ़िया एकदम मसालेदार खाना तो कैप्टा हिटमस दोबारा भूलना नहीं पटक के मार खा जाओगे एकदम क्लियर ओके नेक्स्ट पे आ जाओ डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा डॉल्फिन डॉल्फिन आप सभी को यार पता है है ना एकदम आसान सा है डॉल्फिन वाला क्वेश्चन शानदार तरीके से बताओ कह रहे मटन बन जाता है सर जी मजा आ जाता है अच्छा बहुत मटन आ रहा है ठीक है और जरा देखते हैं डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या भैया बहुत आसान सा क्वेश्चन है बहुत ईजी सा क्वेश्चन है डॉल्फिन 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 गलती ना हो भैया हाँ याद रखो भाई तो डॉल्फिन का नाम है गटिका देखो हम एक कैसे याद रखते हैं आपको पता है कि डॉल्फिन बड़ा एक होशियार मछली है है ना भाई मछलियों में बड़ी होशियार और बड़ा कहा जाता है कि आदमियों के साथ मानवों के साथ इनका बड़ा अच्छा रिश्ता होता है तो पूरे प्लेनेट पे एक बड़ा ही शानदार बड़ा ही होशियार बड़ा ही समझदार मछली जिसका नाम है डॉल्फिन तो प्लांटिका

बैल का वैज्ञानिक नाम बैल का वैज्ञानिक नाम हाँ? अभी है अभी भैया एक हजार बच्चा होने वाला है जल्दी से लाइक की संख्या बढ़ाई दो बेजती ना कराओ तो बैल का वैज्ञानिक नाम है प्रीमी जीनियस टारस क्या बैल हमारे पास जीनियस होता है हाँ? हम क्या बोलते हैं जैसे हमारे स्कूलों के टाइम पे क्या होता था कोई एक बहुत गधा लड़का तो सर जी लोग क्या बोलते थे भाई वो तो गधा बहुत खतरनाक वो बैल है एकदम लड़का कहते ना कि वो बैल आदमी है तो जो जीनियस ना हो प्रीमी जीनियस हो जो जीनियस ना हो तो जूनियस नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई बैल हो जाएगा प्रीमी जीनियस टॉरस ये किसका नाम हो गया बैल का वैज्ञानिक नाम हो गया यही तो बोलते हो अगर जीनियस है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है प्रीमी जीनियस नॉन कोई जीनियस की बातें नहीं है आराम से कर पाएंगे चले अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आ जाओ घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई ये भी आसान सा क्वेश्चन है बढ़िया हाँ क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन अभी हम लोग कई सारी चीजें क्लियर करते चलेंगे देखो वैज्ञानिक नाम में कई सारी चीजें होती थी हो सकता है जैसे पे सिर्फ लिखा है प्लांटेनिस्टा लेकिन आपको पता पूरा नाम प्लान्टिस्टा गेट गैकेटिस्टा गे, ऐसा कुछ नाम होता पूरा नाम है ना चलो तो घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या होगा ध्यान से समझना घोड़ा कहाँ पे रहता भैया कहाँ पे रहता घोड़ा घोड़ा के लिए सबको पता अस्तबल बनता है क्या बनता अस्तबल बनता है और इसके साथ ही साथ जो काबुली घोड़ा होता है वो बड़ा महंगा होता है जो काबुली घोड़ा होता, होता है जो कैबल्स होता है जो काबुली घोड़ा होता है वो बड़ा महंगा होता है अच्छा ये किसका वैज्ञानिक नाम अभी हमने पढ़ा है ये गलती ना हो रिविजन इसी को कहता है और इसी से हम रिवीजन भी कर पाते हैं ये किसका वैज्ञानिक नाम है भाई प्लानिस्टा अभी हमने पढ़ा हुआ था और और किसका वैज्ञानिक नाम है तो भैया ये कहेंगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम है है कि नहीं बताओ यहां पढ़ा है ना कहते हैं हम भाई प्लान की बड़ी होशियार है बड़ा बढ़िया बड़ा शानदार है तो ये डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम हो गया और इसके साथ ये किसका हो गया घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो गया अभी हमने ये दोनों नहीं पढ़ा है आगे ये भी दोनों आसान है मैक्सिमम बच्चों को पता होगा बट आगे डिस्कस कर लेंगे किसको बोलते हैं ओके नेक्स्ट प्याओ ये देख लो जिन्होंने नहीं देखा होगा ये काबुली घोड़े हैं ठीक है जिन्होंने नहीं देखा होगा देख लेना है ना हो सकता पेपर में बनाने को आ जाए भूल जाओ कैसे कर पाओगे चार पैर की दो पैर आओ जिसको देख के मम्मी वो के आंख में आ जाते हैं आंसू और उसका न... कह रहे हैं सर जी हमें देख के आ जाते हैं है नहीं जिसको देख के मम्मियों के आंख में आ जाते हैं आंसू और ये यहाँ पे होगा प्याज का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बताओ भाई क्या होगा प्याज का वैज्ञानिक नाम क्या बता पाओगे जल्दी से बताओ शेयर करो देखो ये बारह सो तेरह सो बच्चा देख रहा है लेकिन इतनी बेजती वाला काम कर देते हो कि लाइक ही नहीं करते पूरा पूरा वीडियो पढ़ लेंगे सब कुछ पढ़ लेंगे लाइक नहीं करेंगे सर जी ये घोर बेजती इससे ज्यादा बेजती क्या है तो भैया प्याज का है

लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भाई ठीक है और लहसुन का वैज्ञानिक नाम लाइक कर दो भाई सभी यहां बार बार कह रहे मैं बार बार नहीं बोलूंगा हमारे भेजी बच्चे बाद में कमेंट बॉक्स में गरियाने लगते हैं कहते या तो बेटा तू पढ़ाई लो और या तो लाइक ही करवाई लो एक काम करो तो लाइक के एक बू कही लो बगल में एक लड़का खड़ा कही लो है ना चलो लहसुन का वैज्ञानिक नाम क्या है लहसुन और 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 देखो भैया लहसुन का वैज्ञानिक नाम है एलियस सेराइवस थोड़ा ये कुछ इसका ट्रिक नहीं बैठ रहा वैसे लहसुन लैस। का याद करने का लेकिन फिर भी ये है कि बाकी सब याद कर लोगे तो इसको जान जाओगे भैया यही इसका नाम है क्या नाम है एलियस सेराइवस है ना लहसुन क्या होता है एलियस सेराइवस कैसे याद कर सकते भाई लहसुन को एलियस सेराइवस कैसे याद कर सकते तरीका बनना है क्या कि लहसुन को कैसे याद करा जाए कोई भी तरीका लहसुन एलियस सेराइवस एलियस हाँ लहसुन एलियस कैसे याद करेंगे से बना सर्विस वाला मामला है ना हो जाता है वाले से कि में होटल में लहसुन नहीं मिलता है देखो बच्चों को अभी याद भी है बच्चे कमेंट भी कर रहे थे है ना वाह भाई वाह जबरदस्त कमेंट कर रहे थे मैक्सिमम बच्चा जो है आज हो जरा गल पे अंगूर का वैज्ञानिक नाम भाई चलो सीजन है अंगूर का कि नहीं है अभी अभी सीजन नहीं है चलो बताओ भाई और और सर कोड हमने का यूपी में कर रहा एमडी क्लासेस ऑफिशियल नहीं सिर्फ एमडी क्लासेस कोड लगाओ आराम से डिस्काउंट आएगा अभी सीजन नहीं है देखो अंगूर का वैज्ञानिक नाम होता है विटिटस क्योंकि आपको पता है कि अंगूर का जो खेती है वो विटी कल्चर कहलाता है ना यही तो सही बात है अंगूर का खेती कहलाता है विटीकल्चर और कल्चर की वजह से क्यों कहलाता विटिकल्चर क्योंकि अंगूर का वैज्ञानिक नाम क्या है क्लियर है एकदम एक याद रहेगा जबरदस्त तरीके से याद रहेगा रहे पक्का है, ओके है। पे चला जाए। आओ। hmm. काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम सोचा तो अच्छा बच्चा लाल मिर्च आ जाएगा है ना भवाने लग जाएगा हमको है ठीक है काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम क्या होगा जल्दी से बताइए और 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 काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम काली मिर्च है भाई गड़बड़ाना देना का अच्छा मैग्नीफेरा इंडिका हमको पता है किसका है भैया आम का है बिल्कुल सही बात है अच्छा हमने कहा विटियस किसका कहा है सर जी विटी कल्चर से रिलेटेड है ये तो अंगूर का है एकदम बात समझ में आ गया अच्छा तो भाई काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर तो पेपर तो आना चाहिए भाई तो पाइपर नाइग्रम ये किसका हो गया काली मिर्च का डी 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 एकदम क्लियर भाई सतनाम सनी भाई रेखा सत्यम किशन रोशनी पासवन सबके सब अगले पे आ जाओ गन्ने का वैज्ञानिक नाम क्या है गुरुदेव गन्ने का देखो कितना आसान होता है वैज्ञानिक नाम है ना हम रिलेट करते चले जाएंगे आराम से समझ जाएंगे जब रिलेट ही नहीं कर पाएंगे तो क्वेश्चन समझ कैसे पाएंगे तो आप उन लोगों को रिलेट करना है अपने आप को चीजों को और रिलेट करते 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 हम आसानी से सब समझ जाएंगे भैया डेढ़ हजार बच्चा लाइव होने वाला है मात्र पच्चीस बच्चा कम है जितना हो पाए शेयर कर देना गन्ने का भैया गन्ने को अंग्रेजी में कहते हैं सुगर केन कहते हैं कि नहीं कहते तो हम क्या गन्ने का वैज्ञानिक नाम सुगर केंस के द्वारा समझ पाएंगे क्लैपिंग क्या हो पाएगा कि नहीं क्लैपिंग कर दो। मजा आ जाता। जाता तरीके से। तो वैज्ञानिक नाम ना? कभी -कभी तो वैज्ञानिक लोग तो, तो अंग्रेजी में पढ़ लिया ऑफिस में भी तो रहेंगे तभी तो बोलेंगे देखो कोई बच्चा क्लैपिंग नहीं कर मतलब कोई खुशी है ही नहीं इतना ज्यादा सर जी से वो है एकदम की सरजी जो है कोई खुशी नहीं है सर जी एक तो संडे को आज तक पढ़ाए नहीं आज संडे को पढ़ा रहे हैं और सर्जी से कोई खुशी नहीं कि पंद्रह सौ बच्चा हो गया इतना ज्यादा कैसे हो गया भाई कोई खुशी नहीं है लो हाँ ठीक है अब है खुशी कोई मतलब नहीं है सर जी तो चाहे पंद्रह सौ पढ़ाओ चाहे पांच हजार पढ़ो हमसे क्या मतलब है है ना कई दो धाका इनके सब आओ जरा देखते अगले क्वेश्चन पे गन्ने के बाद फूल गोभी फूल गोभी कौन सा दो तरह की गोभी होती है एक होती है पत्ता गोभी एक होती है फूल गोभी पत्ता गोभी मतलब पूरा तरीके से ऊपर हरा हरा होता है वो पत्ता गोभी फूल गोभी जिसमें व्हाइट वाला होता है जो आप लोग खाते हो गए ज्यादा पत्ता गोभी ज्यादा नहीं खाते हो गए ठीक है चलो तो फूल गोभी का वैज्ञानिक नाम ये कह है रहे हैं अच्छा बिल्कुल सही बात है भाई ये देखो फूल गोभी है इसने अपने हाथ में पकड़ा भी है, है ना और इसका नाम हो गया ब्रेसिका ऑल रेसिया

वेरी गुड बेटा लहसुन का हमने कहा था लहसुन जो होता वो नहीं होता है कहाँ पे शेयर नहीं किया जाता तो गालिक गा। अंग्रेजी बोला है भाई किसी ने गालिक कहा है लहसुनो बोल दो दादा कहा गालिक के पीछे पड़े हो अच्छा कह रहे सर जी इसका नाम अंग्रेजी में था तो हमने ये भी अंग्रेजी में मार दिया कहा लो अगले पे आ जाओ हल्दू नहीं है ये हल्दी है ये तो बाबू सोना वाले हो गए है ना हल्दू नहीं हल्दी है ये हल्दी का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई हल्दी का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बताओ आसान क्वेश्चन इजी क्वेश्चन क्या हो पाएगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम आसान है क्वेश्चन को जरा सा एलिमिनेट करो जैसे इनको तो सबको पता है ये तो आम ही के है इनका तो सबको पता है ये तो अंगूर के होगा तो भैया बच्चा कौन यही दो व्यक्ति बचे इन्हीं दो व्यक्ति में से एक टू होगा और हाँ बिल्कुल आसान हल्दी को हम क्या बोलते हैं यहां पे गाना सुना है हल्दी कुरकुर -कुर, हल्दी कुमकुम -कुम लौंग गाना सुना है हल्दी कुमकुम लौंग वाला हाँ बिल्कुल तो हल्दी कुमकुम लौंग याद कैसे करेंगे देखो जब शादी वगैरह होती जब आप लोग की शादी होगी हो होगी है ना खुश ना हो जब होगी तब की बात बता रहे हैं है ना जब आप लोग किसी की जिंदगी बर्बाद वर्बाद करने जाओगे है ना तो आपके जब कार्ड शादी के छपेंगे उस पर हल्दी लगाई जाती है कि कुमकुम कम से कम हो जाए कुमकुम लगाई जाती भैया चलो शुभ हो जाए तो वही हल्दी कुमकुम लौंग है ना तो इस वजह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्लियर हो गया चले अगले क्वेश्चन पे चलो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताओ अभी हमारे वाले नाम भी आएंगे ये तो मनुष्य के नाम कह रहे हम मनुष्य है भाई हम तो बंदर है ना <laughs> मनुष्य का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई जल्दी से क्या हो पाएगा और सिंपल है, है टाइम का वैज्ञानिक नाम बताओ भाई अभी देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको भी समझ में आएंगी ये ऑप्शंस कैसे हटाते थे वो भैया एक हजार लाइक्स होने की संभावना है क्या जिंदगी में अभी है संभावना तो पूरा कहके दिखाई दो दादा लोग और शेयर करो कम से कम दो हजार बच्चे दिखे हमें दो हजार बच्चे लाइव चाहिए आप उन दो हजार बच्चे लाइव चाहिए देखो भैया प्लांटेनिका गेटिका एक ही चीज है और यह है डॉल्फिन का नाम कोई दिक्कत नहीं ना अच्छा ऊट को अंग्रेजी में कहते हैं कैमल कहते हैं ना और कैमल से बने ये भैया हमारे कैमेलस डोमेडेरियस क्योंकि इनको रेत पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है इनका डेयर है कि रेत पर ये चल लेते कोई डर नहीं कोई दिक्कत नहीं तो कैमल डोमेडेरियस ये है ऊट का वैज्ञानिक नाम एकदम आसान क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है क्लियर गाइज चलो नेक्स्ट पे आते हैं बाघ का वैज्ञानिक नाम टाइगर का क्या नाम है भाई और ये बढ़िया क्वेश्चन गुरु बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई और, और जरा बता दो और जरा सोचो कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है आ, तो टाइगर के वैज्ञानिक नहीं होता टिगरी होता है किसका मेढक का राना टिग्रिस नहीं, राना टिग्रीना। अब टिग्रिस किसका नाम हो गया एकदम इनके भी फोटो देख लीजिए हो सकता है आपके पेपर में बनाने को आ जाए है ना पक्का नेक्स्ट पे आ जाओ हाथी का वैज्ञानिक नाम मजाक कर रहा था पेपर तो में बनाने को नहीं आएगा हाथी का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या होगा द साइंटिफिक नेम ऑफ एलिफेंट और 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 हाथी का वैज्ञानिक नाम और एक बच्चा कह सर जी आज यही पढ़ाएंगे क्या नहीं बेटा हम ये नहीं हम ये तो मजाक कर रहे हैं कहाँ अभी तो पढ़ाना कहाँ शुरू करे ना तुम गलत टाइम पे आओगे बेटा अभी तुम जाओ पांच मिनट बाद आना हाथी भाई ये हमें पता है प्लांटेनिका गटिका क्या ये दोनों तो हो नहीं सकते भाई हाथी को कहते एलिफेंट और एलिफेंट से हमने कर दिया एलिफस एलिप्स

ये आपका क्या हो गया काबुली घोड़ा यानी घोड़े का वैज्ञानिक नाम हो गया यह हो गया इंसानों का वैज्ञानिक यानी मानव का वैज्ञानिक नाम हो गया बच्चे सिर्फ एक व्यक्ति जो कि भैंस का वैज्ञानिक नाम से क्यों क्योंकि भैंस को अंग्रेजी में कहते हैं बफेलो और भैंस का वैज्ञानिक नाम हो गया बुबालम बुबालिस एकदम बात क्लियर ऑप्शन नंबर सी देखो मैंने पूरा नाम नहीं लिया है हो सकता कहीं कहीं पूरा नाम दे रखा तो यह मत सोचना कि सर जी ने गलत पढ़ाई दिया है ना इस बात को ध्यान रखिएगा पूरा नाम पेपर में भी दे सकता है लेकिन आपको अगर इतनी चीज याद है तो पूरा का तो गारंटी सही कर जाओगे ओके नेक्स्ट पे आ जाओ सेब का वैज्ञानिक नाम बड़ा महंगा मिलता भैया कहीं ढाई सौ रुपए कहीं तीन सौ रुपए कहीं पांच सौ रुपए समझ में नहीं आता लिया जाए कि ना लिया जाए बताओ भाई सेब का वैज्ञानिक नाम क्या होगा और एक बच्चा कह रहा है जब तक दो हजार लॉन्डे हमें लाइव नहीं दिखेंगे तब तक मैं सांस नहीं लूंगा ठीक है बेटा सांस ना लो आप अच्छा ये हमारे है ना हर, अच्छा ही है भाई एक जो कंपटीशन कम हो जाएगा है कि नहीं भाई जल्दी से बताओ तो सेब कब आएंगे ऑप्शन को एलिमिनेट करो कैसे कर पाएंगे ऑप्शन एलिमिनेट ये आपको सीखना है। अगर ये सीख ले तो मामला एकदम क्लियर हो गया भैया तो सेब का नाम होता है मैलस प्यूमिला है ना चाहे जितना भी मैला हो भाई अपने लिए तो प्यारा ही है क्योंकि इतना महंगा तो खाना ही है है कि नहीं है तो मैलस प्यूमिला इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन सेब का वैज्ञानिक नाम हो गया बाकी हमने कुरकुमा लौंग इलायची कुरकुमा पढ़ा है हल्दी का वैज्ञानिक नाम है है ना कुमार लौंगा ऐसे करके नाम है समझ में आ रहा है अब देखो यहां पे सिर्फ इतना ऑप्शन दे रखा इतने में गड़बड़ा ना जाना पक्का है ओके है चले अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे आ जाओ केसर का वैज्ञानिक नाम बताओ गुरुदेव सैफ्रॉन का वैज्ञानिक नाम क्या होगा ये किसका है हल्दी का है ये किसका है आम का है ये किसका है अंगूर का बताओ यार सब आपको याद हो जाए भैया इससे ज्यादा बढ़िया क्या चाहिए सेशन में ये बताओ बच्चे हमारे पास केसर तो क्रेसर का केसर का नाम हो गया क्रोकस सैटिवियस आसान लग रहा है ना इजी लग रहा है ना देखो जो भी ऑप्शन देगा वो किसी ना किसी का वैज्ञानिक नाम होगा ऐसा नहीं है कि केसर का वैज्ञानिक नाम ये ऑप्शन दे दिया दूसरा क्या है सत्यम गुप्ता तीसरा क्या है भैया दीपिका पादुकोण चौथा का रणबीर कपूर ऐसा तो ऑप्शन देगा नहीं जो भी ऑप्शन देगा वो आपको देगा वो वैज्ञानिक नाम ही देगा ठीक है चलो नेक्स्ट पे आते हैं अगला क्वेश्चन मूली का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या होगा मूली का वैज्ञानिक नाम क्या होगा जल्दी से बता दो भाई मूली का वैज्ञानिक नाम और 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 हाँ जिसको खाने के बाद हम ये कहते हैं कि तुम बेटा हमसे दूर ही रहे हो यहाँ आयो ना जरा ऑप्शन एलिमिनेट करके हो जाएगा का नहीं ये कर बड़ा मामला तो मूली का वैज्ञानिक नाम जिसका है जिससे हमारा थोड़ा सा मामला गबड़ा जाता है सेटिवास है ना अपने हिसाब से निकाल सकते हो स अपने हिसाब से निकाल सकते हो है ना हम क्या बोलते भैया मूली खाई लियो तो सत्यानाश कहते हैं कि नहीं कहते नहीं कहते ना तो दो तीन दिन खा लेना घर में कहने लग जाएंगे तो हो गया सत्यानाश मूली का वैज्ञानिक नाम एकदम बात क्लियर चलो अब अगला क्वेश्चन मैं तभी कराऊंगा जब मुझे एक हजार बच्चा लाइक कर देगा तो चलो मैं साइड में जाता हूं मुझे एक हजार लाइक्स चाहिए और अगले क्वेश्चन को अगर कराना है तो एक हजार मुझे लाइक चाहिए अगले क्वेश्चन को कराना है तो अगला क्वेश्चन मैं तभी कराऊंगा जब मेरे पास एक हजार लाइक्स होंगे एक हजार लाइक्स चाहिए एक हजार लाइक्स चाहिए एक हजार लाइक्स चाहिए मैं जल्द तभी ग्रहण करूंगा जब मेरे पास एक हजार लाइक्स होंगे पानी तभी पीऊंगा जब एक हजार लाइक्स होंगे जल्दी से एक हजार लाइक्स करो उससे भी ऊपर कर दोगे तो भाई बहुत बढ़िया है लेकिन फिर भी जल्दी से लाइक करो जितना तेजी से हो पाए उतना तेजी से लाइक करो जो बच्चा लाइक नहीं कर रहा है बहुत अच्छा करो बेटा है ना चले अगले क्वेश्चन पे आओ सरसों का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या होगा भाई और हो गया ठीक है एक बच्चा कह रहा है सर ट्रिक भी बता दो सही बात है मैं कहा कोई ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को मैं तो सिर्फ क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ क्वेश्चन पढ़े जा रहा हूँ ट्रिक बता रहा हूँ यार पागल हो क्या मैं ट्रिक बताऊंगा आपको सरसों का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो और इसके अलावा और किसी का हमने नहीं पड़ा तो ब्रेसिका देखो दो चीज होती थी ब्रेसिका क्योंकि आपको पता है इसके लिए अब हाँ बिल्कुल सही बात है पता ब्रेसिका कंप्रेस ऑप्शन नंबर ए को इसका ट्रिक बना लेना वो आपका सही आंसर हो कोई भी इसका ट्रिक बना लेना वही सही लो जाए। नंबर ए, ठीक है? आम का नाम तो सबको अच्छा सब पता होगा इंडिका मैंगनी अगले पे नाशपाती का वैज्ञानिक नाम नाशपाती वो पीटे होता जो आप समझ रहे हो जो मुस्कुरा रहे हो वो नाश पीटे होता ये नाशपाती है ठीक है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो लहसुन का है है कि नहीं है ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये तो अंगूर का है क्योंकि अंगूर की खेती कहलाता है हाँ, पायर अच्छा ये किसका भाई ये किसका है दूसरा वाला ऑप्शन किसका है दूसरा वाला ऑप्शन किसका है सोचो जरा सोचो इसे क्या हुआ है बिल्कुल ये है सेब का क्योंकि चाहे जितना मैला हो जाए प्यार तो करना ही है सेब से इतना महंगा लाए हैं तो कैसे मामला चल पाएगा तो पायरस नाशपाती का क्योंकि नाशपाती का पूरा इंग्लिश यही होता है क्या यार हिंदी में उतना बड़ा लिखा अंग्रेजी में सिर्फ चार अक्षर पियर पियर मतलब नाशपाती क्या होता नाशपाती का इंग्लिश बोलो नाशपाती का क्या होता पियर सही है वो है? सही है आओ जरा अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये तो बहुत गर्म मेढक का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो भाई आसान सा क्वेश्चन इजी सा क्वेश्चन मेढक का वैज्ञानिक नाम और 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 हाँ तो मेढक क्या हो गया सबको पता होगा राणा टिगरीना बढ़िया क्वेश्चन आसान सा क्वेश्चन ये एलिफेंट वाले में जुड़ जाएगा है ना इक्वस कैलेबस ये घोड़ा वाले में जुड़ जाता है देखो उनके आधे नाम दे रखे लेकिन फिर भी हम इतनी ज्यादा देख लिया कि हमें याद हो गया खरगोश का वैज्ञानिक नाम खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होता भाई खरगोश 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 मेढक वाला तो हमने अपने किताबों में पढ़ रखी थी बचपन वाली किताबों में है ना खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बढ़िया क्वेश्चन है खरगोश का याद रखिएगा एक्चुअली हम ये सोचते हैं अगर खरगोश यहाँ पे देखो ध्यान से जरा समझना कि क्या है इस क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे है ना कहता है अगर एक ठू और लेग होत खरगोश के भाई खरगोश जो होता है वो बड़ा उसके पैर बड़ा कमजोर होता है है कि नहीं खरगोश के पैर बड़ा कमजोर होता है हम भगवान से मनाते हैं अगर एक ठू और लग हो खरगोश के तो मामला और कुछ हो क्योंकि हम कहते हैं खरगोश के पैर बड़ा कमजोर होते हैं है ना तो एक ठू और लेग हो तो यही हम इसको बोलते हैं जो भी बोलते एक और लेग हो नेक्स्ट पे आ जाओ गाजर का वैज्ञानिक नाम अभी हमने नहीं पढ़ा था क्या चलो ठीक है गाजर तो ये तो आसान है है ना गाजर का अंग्रेजी होता है कैरेट और गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या है भैया आ, तो गाजर का होता है कैरेट और नाम है डेकस कैरोटा गाजर का वैज्ञानिक नाम क्या सबकी बात एकदम क्लियर होता कौनो परेशानी कौनो दिक्कत मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है फ्लाई फ्लाई मतलब हो गया मक्खी जो मूवी हमने नहीं पढ़ी है देखिए मक्खी उसका नाम क्या है मक्खी का वैज्ञानिक नाम और, और जरा सोचो मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका है ना बहुत मस्ती का सी बैठती है भाई मक्खी आपके साथ कभी आपके नाक में आके बैठ गई कभी कान में आके बैठ गई कभी आपके सर पे पर आगे गई आपके साथ बड़ा मस्ती करती है है कि नहीं है कभी मुंह के अंदर चली गई कभी नाक के अंदर चल के ऐसे आपके फिर मुंह से बाहर आ जाती है है ना तो बहुत मस्ती आपके साथ करती है तो मक्खी का वेग नाम क्या हो गया मस्का डोमेस्टिका बड़ा मक्खी लेकिन आज तक हम मान नहीं पाए मुस्किन से हमने पूरी जिंदगी भर में मुश्किल से दस या पचास मक्खी मारी होगी उससे ज्यादा मारी नहीं अगले अगले क्वेश्चन पे किसके साथ हुआ भाई मक्खी ऐसे नाक के अंदर गई या मुंह से बाहर आ गई किसके किसके साथ हुआ और और कह रहे सर जी ऐसा नहीं करती है नहीं करा आज तक हाँ मार तो पाया नहीं बेटा बेजती करा लिए सबके सामने हमेशा हमेशा नहीं करी आपके साथ ठीक है फिर चलो नहीं करिए हाँ चलो आओ जरा देखते हैं किसके साथ कह रहे अमिताभ बच्चन के साथ ये नहीं होता है अरे हुआ तो था एक बार कौन है इसमें से मनीषा है या फिर कौन है आकाश है मनीषा में से एक बच्चा है जिसके ऐसा कुछ बता रहा था सर जी उसने बताया था बात ये कि मैं, सर जी मैं नाक से गया था मुंह से मक्खी बाहर आ गई थी ऐसा कुछ हुआ मुझे नाम नहीं याद आ रहा एग्जैक्ट क्या नाम है 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 ना ऐसा कुछ है। चलो आओ एक बच्चा कह रहा ग्रेट सर हाँ। बोल दो पूरा नाम हमारा द ग्रेट खली बता दो सबको हमारा पूरा नाम चिल्ला चिल्ला के बाजरा का वैज्ञानिक नाम बाजरा जानते हो ना ज्वार बाजरा वाला है ना उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है बाजरा का वैज्ञानिक नाम जल्दी से पढ़ो जल्दी से बताओ और 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 बाजरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा भाई और 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 चलो आओ जरा देखते हैं तो बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता भाई पेनिसिटम अमेरिकोनम पेनिसिटम अमेरिकोनम ये बाजरा का वैज्ञानिक नाम होता है क्योंकि बाजरा आपको पता भाई है ना थोड़ा खतरनाक सा मामला है इसको याद करना पड़ेगा पेनिसिटम अमेरिकोनम नेक्स्ट आ जाओ मक्का मेज

अभी भी कर रहा है क्या परेशान कर रहा है कौन परेशान कर रहा है भाई इनको टमाटर का वैगैन नाम क्या है जरा जल्दी से बता दीजिए और बता दीजिए भाई बढ़िया क्वेश्चन है आसानी से कर पाएंगे इजी तरीका है और आसानी से समझ पाएंगे टमाटर का वेगा नाम क्या है भाई बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जिंदाबाद कहोगे सर जी टमाटर का नाम है लाइक्रोप्रेसिकन एस्टिकुलेटम ऑप्शन नंबर आपका बी ये किसका वैज्ञानिक एक इसका वैज्ञानिक नाम है भाई एक इसका वैज्ञानिक नाम है किसका वैज्ञानिक नाम है ए एक कहोगे सर जी ये नाम है लहसुन का है यह कहा गया डेकस कैरोटा कैरेट मतलब हो गया गाजर का वैज्ञानिक नाम हो गया है ना हमारे पास सही आंसर होगा टमाटर का याद रखिएगा लाइक्रो अच्छा लाइकोपिन लाइकोपिन याद है लाइकोपिन टमाटर लाइकोपिन याद है लाइकोपिन टमाटर लाइकोपीन याद है लाइकोपीन टमाटर लाइकोपीन याद है ना सबको नेक्स्ट जाओ अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है साइंटिफिक नेम ऑफ द जिंजर अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है जिंजर का साइंटिफिक नेम अदरक का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई हाँ ये तो हो नहीं सकता कैरेट का है आ जाओ क्या होगा ऑप्शन नंबर ए है ना अदरक मतलब होता है आपका जिंजर और जिंजर से बना जिंजीवर याद रखिएगा जिंजर से बना जिंजिबर और अंग्रेजी में अगर नाम गए तो भाई ऑफिशियल नाम तो पता होनी चाहिए है कि नहीं भाई ऑफिशियल नाम तो पता होनी चाहिए ऐसे नहीं मामला चलेगा समझ में आया चलो नेक्स्ट पे आ जाओ कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या है भाई घर का बड़ा प्यारा कुत्ता हमारा और वैज्ञानिक नाम क्या होगा कौन सा बच्चा इस बात को जल्दी से बता रहा कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा और अदिति का शोधन क्या हाल है भाई अदिति चलो कुत्ते का वैज्ञानिक नाम क्या होगा तो भाई याद रखना क्योंकि ये कुत्ता जो होता जो है जो हम लोग पालते हैं ना हमारे घर के बड़ा फैमिलियर होता है है कि नहीं पूरे घर का बड़ा फैमिलियर होता है कुत्ता तो इसी वजह से हम इसको बोलते हैं कैनिस फैमिलियर अब कैनिस से हम कैसे कहेंगे इसके कान खड़े हो जाते हैं अगर इसे कभी भी लगता है कि भैया कुछ मामला गड़बड़ है तो कुत्ते के कान खड़े हो जाते हैं समझ में आया तो कैनिस और घर के बड़ा फैमिलियर हो गया तो कैनिस फैमिलियर इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल एकदम काम बात समझ में आ गया अच्छा भैया ये कौन है बुबालस बुबालिस किस ये कौन है जल्दी से बता दो बुबालस बुबालिस ये कौन है भाई जल्दी से बताओ बुबालस बुबालिस ये कौन सा है भाई जल्दी से बताओ कहोगे सर जी बैल बैल कहोगे कि भैंस कहोगे भैंस कहेंगे बैल को तो हम कहते हैं प्रीमी जीनियस जो जीनियस नहीं है एक टू और लेग हो जाता तो मामला फिट हो जाता खरगोश का वैज्ञानिक नाम सोचो कितना बढ़िया है है ना चले अच्छा ये बता दो बॉस इंडिकस सब चीज की बॉस है जिसके ऊपर यूपी सरकार चल रही है क्या होगा भाई और बॉस इंडिकस किसका नाम है भाई वैज्ञानिक बॉस इंडिकस किसका वैज्ञानिक नाम है जल्दी से कमेंट मारो यार एवरी जिसके ऊपर पूरी यूपी सरकार चल रही है और बॉस इंडिकस वो किसका वैज्ञानिक नाम है किसका देखो इनको यही नहीं पता है का ठीक है बिल्कुल अगले क्वेश्चन पे बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या भाई बिल्ली का वैज्ञानिक नाम घर में बहुत सारे लोग बिल्ली पालना भी शुरुआत कर दिए हैं इस समय पहले विदेशों में पाला जाता था लेकिन अब इसे भारत में भी पाला जा रहा है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दीजिए क्या हो पाएगा और आसान क्वेश्चन इजी क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन ठीक है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम की हम बात करेंगे यहां कि क्या होगा बिल्ली का वैज्ञानिक नाम तो जनता बिल्कुल जानती है फेलिस डोमेस्टिका

डोमिस्टिका हो गया बिल्ली का बुबालस हो गया भैंस का, मोर के लिए बर्चे पावो क्रिस्टेटस है ना, जो अपने अपना बना दिया जब अपना मोर पंख फैलाती है, है कि नहीं है तो मोर अपने मोर पंख बना के अपने पाओ के बल पे बना दिया अपना स्टेटस इस और इसका नाम हो गया पाओ क्रिस्टेटस एकदम कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना अगले पे आते बात नारियल का वैज्ञानिक नाम बताओ क्या होगा नारियल का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो क्या हो पाएगा नारियल का वैज्ञानिक नाम ठीक है चलो तो नारियल का वैज्ञानिक नाम हो गया कोकी कोकोनट हो गया तो कोकोवा और ये नारियल का वैज्ञानिक नाम हो गया ये लास्ट था वैज्ञानिक नाम का क्या कुछ आपने सीखा कि नहीं सीखा देखो मैंने आपको वो वैज्ञानिक नाम देखो वैसे तो कराए जाए तो हजारों क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम के ऊपर आएंगे समझना मेरी बात को वैसे तो हजारों क्वेश्चन वैज्ञानिक नाम के ऊपर है बट मैंने आपको वो कराया जो पेपर में लगातार पूछा जाया है ना ऐसे सारे क्वेश्चन करा डाले जो पेपर में लगा जैसे आपको बहुत सारे बच्चों को खरगोश का नहीं पता तो खरगोश का कर पा रहे ठीक है आओ एक बार रिवीजन मारते हैं रिवीजन के लिए तैयार हो अच्छा एक काम करो इससे पहले जो बच्चे ने लाइक नहीं किया अभी तक चैनल मारो यार लाइक और जितना नया बच्चा अभी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी मुझे चाहिए भयंकर सब्सक्राइब चाहिए जितना तेजी सब्सक्राइब कर पाओ सबके सब मारो मारो डालो पूरा सब्सक्राइब जितना तेजी से सब्सक्राइब कर पाओ चाहे जितनी तेजी से कर पाओ सब्सक्रिप्शन आने चाहिए भाई हर बच्चा अभी मुझे दिख रहा है यहाँ पे इस क्लास में ऐसे 400 कुछ बच्चे जिन्होंने चैनल ही नहीं सब्सक्राइब किया ये भगवान ये हालत है लोग यहाँ पे सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से मैं क्या बताऊं ये सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं जल्दी से करो भाई और जल्दी से सब्सक्राइब करो सबके सब सब्सक्राइब करो ठीक है चलो भाई अब स्टार्ट करते अगली बात पे है ना सब के सब रिवीजन के लिए तैयार हो चुके हैं और रिवीजन के लिए तैयार होने के साथ साथ अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस का सिलसिला भी देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस है कैसे कैसे कर पाएंगे पहला आ गया डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम और बच्चे लगातार क्वेश्चन करने लगे हैं देखो याद हो रहा है ना कितना बढ़िया लगता है मुझे जब मैं पढ़ाता और बच्चों को याद कहता कि सर मुझे याद हो गया है ना यही सब तो कठिन क्वेश्चन है घोड़े का वैज्ञानिक नाम देखिए किसका सही है किसका गलत घोड़े का वैज्ञानिक नाम घोड़े का वैज्ञानिक नाम है ना घोड़े का वैज्ञानिक नाम घोड़ा 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 कहोगे सर जी काबुली घोड़ा बड़ा फेमस है तो ऑप्शन नंबर ए लो भाई मारा तहलका सभी ने बहुत शानदार बहुत जबरदस्त बहुत जिंदाबाद सब ने तहलका मचा दिया घोड़े के नाम पे अगला क्वेश्चन अंगूर का वैज्ञानिक नाम जल्दी से बता दो भाई गुरुदेव लोग अंगूर का वैज्ञानिक नाम और अंगूर का वैज्ञानिक नाम और 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 बहुत शानदार अंगूर का विटीकल्चर से बना विटिटस बहुत शानदार आओ हल्दी का वैज्ञानिक नाम भाई हल्दी का वैज्ञानिक नाम हल्दी 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 हाँ तो हल्दी हम करते हैं शुभ कार्य के लिए यूज सबको ये बात अच्छे से पता है तो हल्दी होता है कुरकुमा लौंग लौंग इलायची वाला गाना गाया करो हाथी का वैज्ञानिक नाम भैया बता दो ये सब आसान हो गया बताओ आपको क्या नहीं पता है ना अब तो आप इस वीडियो को देखोगे मुझे लगता है पीडीएफ आपको मिल जाए तहलका मचा दो आओ एलिफेंट क्योंकि मैक्सिमम बड़ी होती है तो मैक्सिमस केसर का वैज्ञानिक नाम ये तो फिलहाल टिक लगा हुआ है है ना तो क्रेसर से बना आ, क्या क्रोकस सेटिवस ये हो गया आपका केसर का वैज्ञानिक नाम क्लियर ऑप्शन नंबर ए बहुत शानदार चलो ये रिवीजन का सेशन हमारा होता है यहीं पर खत्म यहीं पे हमारा रिवीजन का सेशन क्या होता है खत्म होता है ठीक है तो आज के लिए बस मुझे इतना ही माफी करिएगा मैं आज ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन करने की बात कहा था लेकिन नहीं कर पाया कल हम पूरे समय सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन ही करेंगे जब कल 9:00 बजे क्लास होगी तो मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन ही कराऊंगा यानी जो चौथा दिन है उसमें जितने इंपॉर्टेंट चीज है मैं सब रिवीजन कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री और कोशिश करूंगा अलजेब्रा भी करा दूं है ना तो आज नहीं करा पाए क्योंकि आज संडे था आज यहीं पे खत्म करते हैं कल पूरा दिन ट्रिग्नोमेट्री रिवीजन ही होगा हर तरीके का रिवीजन सब कुछ आपके लिए रिवीजन होने वाला है, है ना ऑर्गेनाइजेशन एक दिन करा दूंगा कोई दिक्कत नहीं है कल सुबह आठ बजे नौ बजे वाली मेरी क्लास नहीं होगी एमडी क्लासेस पे सुबह आठ बजे मेरी क्लास होगी और वो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं यूपी तिपस्सी पेट का दक्षत बैच अगर आपने अभी तक दक्षत बैच नहीं ज्वाइन किया एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप का लिंक मैंने दे रखा जाइए एमडी क्लासेज ऑफिसियल एमडी क्लासेस को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद आप वहां पे एमडी क्लासेस कोड लगा देना 20 परसेंट का और डिस्काउंट ले जाना और ज्वाइन कर लो यूपी त्रिवर्सिपेट का सबसे बेहतरीन आने वाला बैच जो कि होगा दक्षत बैच जिसका कंप्लीट शेड्यूल पैंतालीस दिनों का आप सभी के लिए ऐप में अपलोड अप्लो, हो जाएगा ओके पक्का चलो इसकी पीडीएफ आपको जल्दी ही टेलीग्राम पे मिल जाएगी ठीक है और कल सुबह आठ बजे आना देखो जरा तहलका क्या मचता है ठीक है चलिए थैंक यू सो मच गुड नाइट टेक केयर बाय बाय थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू और सब्सक्राइब वगैरह करे रहो भैया लाइक भी करो सब्सक्राइब भी करो शेयर भी करो सब करो आप